सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स वाई, हमारे पास एक फंक्शन है, देन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स. यानी कि हमारे पास एक इम्प्लिसिट फंक्शन है एक्स और वाई वेरिएबल्स का, इसी में से हमें डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है. ओके, सो ध्यान से देखिए, हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो गिवन है हमारे पास ये. तो अगर हमने इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. करेंगे तो देखिए हमें क्या ऑप्टेन होगा, हमें ऑप्टेन हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एल एच एस वाला पार्ट, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट x इंटू वाई. ओके, नाउ ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन है एंड देन उसकी आपके पास एक होल पावर है. तो आप इसको पहले चेन रूल से पावर को डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा टू टाइम्स ऑफ जो भी अंदर फंक्शन था वो एज इट इज की पावर 2 माइनस वन इज 1 एंड देन मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स. हमें करना है सिंपली किसका, जो भी आपका फंक्शन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू. ध्यान से देखिए यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन है x, एक फंक्शन है y, तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल. तो ये हो जाएगा आपके पास d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन. ओके, सो ध्यान से देखिए आपके पास क्या ऑप्टेन होगा, ये हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड देन मल्टीप्लाइड बाई आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर दो फंक्शंस का सम दिया है, इसका मतलब इसका भी डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा एंड देन प्लस में इसका भी डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा आपके पास, ब्रैकेट लगाना ना भूलिएगा आप लोग, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट सिंपली वाई स्क्वायर. और इज इक्वल्स टू में देखिए आपके पास क्या ऑप्टेन हुआ, तो ये हो जाएगा वन एंड देन वाई, तो वन इंटू वाई इज वाई प्लस में एक्स टाइम्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स. ओके, और ध्यान से देखिए आपके पास क्या ऑप्टेन हुआ, तो ये आपके पास हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नाउ मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर. अगर आप करेंगे तो आपके पास सिंपली आंसर आएगा टू एक्स एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एक्स फंक्शन इज वन, तो उसको आप लोग नहीं लिखेंगे. प्लस में वाई की स्क्वायर है आपके पास, तो पहले पावर डिफरेंशिएट होगी, तो आपके पास आंसर आएगा टू वाई एंड देन आपको इस वाई को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स. ओके, एंड इज इक्वल्स टू में आपके पास है वाई प्लस में एक्स टाइम्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स अगेन. ओके, नाउ आपका मेन टास्क है जो आपके पास रिक्वायर्ड चीज़ आई है, इसके अंदर से आप लोग डी वाई ओवर डी एक्स को एक्सट्रैक्ट करें एंड उसकी वैल्यू को फिर आप सेपरेटली लिखें. ओके, सो ध्यान से देखिए आपके पास क्या चीज़ आई है, आपके पास आई है ये टर्म इंटू ये टर्म प्लस अगेन ये टर्म इंटू ये टर्म डी वाई ओवर डी एक्स के साथ है, और प्लस में वाई इंटू में एक्स डी वाई ओवर डी एक्स आपके पास यहाँ पे सेपरेटली लिखा हुआ है. ओके, सो हमें काम करते हैं, पहले हम लोग मल्टीप्लीकेशन का पार्ट करते हैं वहाँ पे. तो ये हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू दिस आपके पास हो जाएगा फोर एक्स एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज प्लस में आपके पास यहाँ पर आएगा फोर वाई डी वाई ओवर डी एक्स. ओके, और आपके पास यही क्या आएगा यहाँ पे, आप चाहे तो इसको बाद में लिख सकते हैं, फोर वाई के साथ आपके पास लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड डी वाई ओवर डी एक्स आपने बाद में लिख दिया. ओके, एंड इज इक्वल्स टू में आपके पास है वाई प्लस में एक्स टाइम्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स. नाउ आपका मेन टास्क है, जितने भी आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स वाली टर्म्स दिख रही हैं उन सबको आपको एक साथ लिखना है, और जो भी आपके पास अदर देन डी वाई ओवर डी एक्स वाली टर्म्स हैं उनको आपको एक साथ करना है. ओके, सो आप काम करते हैं, एक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लीजिए डी वाई ओवर डी एक्स वाली टर्म्स को यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये इसको हम लेके इस तरफ आते हैं एंड देन इसको लेके हम उस तरफ जाते हैं. तो देखिए हमारे पास क्या ऑप्टन हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर टाइम्स ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज माइनस में वाई इज इक्वल्स टू वॉट एक्स टाइम्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स आपके पास था एंड देन माइनस में आपके पास बन जाएगा फोर वाई एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स. ओके, नाम इन दोनों टर्म्स में से आप लोग डी वाई ओवर डी एक्स को ले सकते हैं कॉमन, तो आपके पास देखिए क्या ऑप्टेन होगा, आपके पास ऑप्टेन होगा फोर एक्स एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का वाई इज इक्वल्स टू, अगर आपने डी वाई ओवर डी एक्स ले लिया कॉमन इन दोनों टर्म्स में से, तो आपके पास ऑप्टेन होगा एक्स माइनस में फोर वाई एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओके, नाउ आप इस टर्म को भेज सकते हैं इसके डिनोमिनेटर में, तो आपके पास सिंपली जो डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ बचेगा वो आ जाएगा आपके पास फोर एक्स एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में वाई एंड देन होल डिवाइडेड बाई वॉट एक्स माइनस में फोर वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर, ओके। जरूरी नहीं है आपका यही आंसर आएगा, अगर आप ऊपर नीचे से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो आपके पास जो टर्म्स अरेंज होगी आएंगी वो भी इसका आंसर हो सकता है। तो कई बार प्रूफरेड वाले क्वेश्चंस में इसका जस्ट रिवर्स पार्ट लिखा होगा आपके पास, तो आपको घबराना नहीं है, वहाँ पे भी आपके पास बिल्कुल सेम ही आंसर होगा, बस आपको माइनस साइन को कॉमन लेना पड़ेगा, ओके। सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। आप लोग एनालाइज कीजिए कि कैसे हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल्स, ओके, जबकि जिसको हमें डिफरेंशिएट करना है वो चीज़ अपने फंक्शन के अंदर ही आपके पास हिडन हो रखी है, ओके। सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लें।